श्री महाकाल। आदेश, मैं आप लोगों के बीच एक और साधक के अनुभव लेके आ रहा हूँ। और ये जो साधक हैं, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनका नाम रामू प्रजापति है। इनको हमने गुप्त नवरात्रि में एक अनुष्ठान दिया था, यानी साधना कराई थी, जो कि उनके अनुभव बहुत ही अच्छे रहे और उनकी साधना परमात्मा की कृपा से सफल हुई। और बाकी अनुभव आप उनकी ही जुबानी सुन लीजिएगा। देश जय श्री महाकाल, जय गुरु जी, चंद्रनाथ गौरी जी को प्रणाम। मेरे गुरु चंद्रनाथ अघोरे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो मुझे साधना दिया था उसका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जब मैंने साधना शुरू करी थी तो दो तीन दिन तक मैं आंखें जब बंद करता था, साधना पे बैठता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आगे पीछे कोई चल रहा हो। कुछ महसूस हो रहा था मुझे, जैसे कोई शक्ति है या फिर कोई इंसान है जो चल रहा हो, ऐसा कुछ महसूस होता था। जब मैंने आपसे बात करी तो आपने जो भी गाइडलाइन किया मेरे को, तो उसके बाद बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और कोई किसी प्रकार का डर नहीं, हर तरह से मेरा डर निकल गया। और हाँ, और जब मैं आंखें बंद करता था आपसे बात करने के बाद, वो सामने माँ काली का, हाँ यहाँ पे सामने माँ काली का तस्वीर नज़र आता था। माँ काली का हमेशा ही चित्र नज़र आता था, जैसे ये जीभ निकाली हुई है, जीभ निकाल करके बैठी देख रही है मुझे। और कभी कभी भगवान भोलेनाथ का जटा नज़र आता था, और जब जटा नज़र आता था तो मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश करता था कि आखिर ये क्या चीज़ है, शायद भगवान भोलेनाथ की ही हों। तो मैं उसके अंदर और भी घुसना चाहता था। अंदर जाते 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 तो मुझे नज़र धीरे धीरे उनका चेहरा पूरा प्रतिमा नज़र आता, और जैसे वो बैठ करके मुझे देख रहे हों, ऐसे महसूस करता था मैं। और ये हमेशा ही चलता रहा मेरे साथ, और साधना मेरा बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी आँखें भी अलग दिखने लगी है, चेहरा मतलब अजीब टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का है, जिसमें चमक जैसा लगता है, और आँख हमेशा ही चमकते ही रहता है। और ऐसे जैसे जब मैं साधना करके उठता था तो मुझे मेरी आँखें लाल और हल्का पानी जैसा नज़र आता था, अजीब टाइप का नज़र आता था मतलब। तो और मंत्र का उच्चारण करने के बावजूद, जब मैं मंत्र का उच्चारण करता था उस समय कभी कभी अचानक से मैं अलग, मुझे महसूस होता है कि मैं अलग हो गया। मुझे कुछ होश नहीं होता था, मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। अचानक कुछ देर बाद याद आता, अरे मैं तो मंत्र का जप कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे कुछ देर तक मैं गुम हो जाता था कि मुझे कुछ मतलब कुछ है, मैं कहीं पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था। मैं अलग दुनिया में ऐसा महसूस होता था, मैं चला गया आँखों के सामने। जैसे फिल्म जो हम लोग देखते हैं तो उसमें क्राफ्टिंग नज़र आती है, अजीब अजीब कलर का चित्र नज़र आता है, उस टाइप से अलग अलग पिक्चर्स नज़र आते थे मेरे आंखों के सामने, तस्वीर नज़र आता था। और उस तस्वीर को मैं पार करने की कोशिश करता था। जब मैं पार करता, हल्का ज़्यादा नहीं पार कर पाता था, कुछ पार कर पाता था, तो मुझे वहाँ पे माँ काली जीभ निकाली हुई नज़र आती थी। और मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी मुझे माँ काली नज़र आ रही है। गुरु जी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कुछ ऐसी साधना बताइए जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेरी माँ सामने आए, मुझसे बात करें। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ इस वक्त। मुझे लग रहा है कि आंखें बंद कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, तो सामने मुझे बस माँ का चेहरा नज़र आ रहा है। और एक बात बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात, आपके पास आने से पहले मैं कई जगहों पे भटका, जिसका यूट्यूब पे प्रमाण भी है, मेरी वीडियो भी डली हुई है।
मैं कई जगह भटका, कितना कितना पैसा दिया और मुझे कुछ उसके हासिल नहीं हुआ। मंत्र पकड़ा दिया गया, बोला गया इस मंत्र का उच्चारण करो, ये मंत्र 108 बार पढ़ लो अमावस्या के दिन, तुम सिद्ध हो जाओगे, आधा 50% तांत्रिक बन जाओगे। अरे भैया चलो खैर कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अभी सेफ जगह पे आया हूँ। और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। मैं देखिए, मैं एक आपका शिष्य हूँ और मैं आपको शिष्य गुरु को कुछ नहीं दे सकता, जो भी देता है गुरु ही देता है, शिष्य का काम होता है सिर्फ लेना। मैं आपसे सिर्फ लूँगा, मेरे पास औकात नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता, मैं आपका मतलब अपने गुरु का कर्ज कोई भी शिष्य नहीं चुका सकता। इतना जान लो, मैं कभी भी आपकी दी हुई शिक्षा का गलत उपयोग नहीं करूँगा, सदुपयोग करूँगा। आप मेरे पे भरोसा करिए और मुझे अपने चरणों में रखिए। और आपके माध्यम से लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग दर दर की ठोकर खा चुके हैं, भटक चुके हैं, वो लोग किसी भी तरह का काम तंत्र लाइन से जुड़ा हो, लोग तांत्रिकों से, ओझा लोगों से, झाड़ फूक वालों से, इन लोगों से अगर परेशान हो चुके हों, तो एक बार आप श्री चंद्रनाथ अघोरी जी से एक बार आप संपर्क कीजिए, अनुभव देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। बाकी महाकाल की मर्जी, मैं ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो फिर होगा कि इसने सिखला दिया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी अगर साधना करना चाहते हैं तो आप भी साधना का अनुभव लीजिए और एक बार साधना करके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं झूठ बोला कि सही, ठीक है। और लुटेरों से बचिए, मैं तो बहुत लूटा, अभी तक लूट रहा हूँ, शायद अभी लगा मुझे कि मैं सही जगह पहुँचा हूँ, सेफ जगह पर हूँ। तो देखिए, आप लोग भी आइए और एक बार सिर्फ मेरे कहने पे, मैं आपका देखो कोई नहीं लगता, लेकिन एक छोटा सा साधना करके आप मेरे कहने पे देखिए, ज़िंदगी में बदलाव नज़र आएगी, अपने आप में बदलाव नज़र आएगी। मैं एक साधना से मेरे को क्या अनुभव हुआ है मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, आप करोगे आपको पता चल जाएगा। तो जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।